तो दोस्त दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को प्राणी हिमांशु कुमार है। तो आज हम दोस्त फुल एचडी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे, चैप्टर हमारा हेलोलिकन और हेलोलिन से। दोस्त देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, दोस्त बोलता है क्वेश्चन नंबर 1 की इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन जब सोडियम आयोडाइड के साथ करते ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल आयोडाइड और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड बनता है, तो वह रिएक्शन है। देखिए दोस्त जब मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्काइल आयोडाइड बनता तो होने वाला रिएक्शन हमारा फिनकेलस्टाइन रिएक्शन कहलाता है। तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन में बी होगा दोस्त फिनकेलस्टाइन रिएक्शन। अगर उच्च रिएक्शन होता तो मेन प्रोडक्ट के रूप में सिमेट्रिकल अल्किन बनता। अगर सेंट मेयर रिएक्शन होता तो मेन प्रोडक्ट के रूप में क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनता। और अगर स्वार्ट्स रिएक्शन होता दोस्त तो मेन प्रोडक्ट के रूप में फ्लूरो एल्किन बनता। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते दोस्त, बोलता है बेंजीन का रिएक्शन जब इथाइल क्लोराइड के साथ करते हैं एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल बेंजीन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, तो वह रिएक्शन है। तो होने वाला रिएक्शन दोस्त फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहलाता है। अब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन 2 प्रकार का होता है दोस्त, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। यहाँ पर देखिए दोस्त अल्काइल रिएजेंट के रूप में अल्काइल हैलाइड लिया गया, ये होने वाला रिएक्शन हमारा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है। अगर यहाँ इथाइल क्लोराइड की जगह पर ना लेके अल्काइल हैलाइड ना लेके अगर हम लोग एसाइल हैलाइड लेंगे मतलब एसिटाइल क्लोराइड लेंगे, ये होने वाला रिएक्शन मेरा हो जाता है फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन रिएक्शन या फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो फिलहाल दोस्त फुल एचडी में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता दोस्त 1 क्लोरो ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, मतलब तीनों कंपाउंड में से किसका यौगिक ने 1 क्लोरो ब्यूटेन वो पूछ रहा है हमको। तो हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन हायर प्रायोरिटी कार्बन, तो चलना कुछ इस तरीके से दोस्त कि ब्रांच को छोटा से छोटा नंबर मिल सके, जो क्लोरो ग्रुप में रह क्या है ब्रांच। तो प्रिंसिपल चेन में दोस्त 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो 1 पर क्लोरो है तो यहाँ पर लिख दिए 1 क्लोरो। सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते तो 1 क्लोरो हो गया, फिर रूट वर्ड लिखते हैं तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया दोस्त ब्यूट। फिर हम लोग प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए, नंबर और अल्फाबेट है तो हाइफन दे दिए, तो इस ए कंपाउंड का नाम हो गया 1 क्लोरो ब्यूटेन। अब बी का कंपाउंड को इपेन लिखते हैं, हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन हायर प्रायोरिटी ऑफ कार्बन, प्रिंसिपल चेन में 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, एक नंबर पर क्लोरो लगा हुआ है यहाँ लिखिए 1 क्लोरो। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया दोस्त प्रो, तो यहाँ पर लिखिए 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रो, यहाँ पर लिखिए प्रो। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स में लिखिए, नंबर और अल्फाबेट है तो हाइफन का साइन दे दिए, तो बी कंपाउंड का यूपीएक नेम हो 1 क्लोरो प्रोपेन। अब सी कंपाउंड का यूपीएक नेम लिखते हैं, हैलोजन जुड़ा हुआ कार्बन हायर प्रायोरिटी ऑफ कार्बन, तो प्रिंसिपल चल गया 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। देखिए दोस्त ये क्लोरो ग्रुप प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो क्लोरो ग्रुप बन गया आपका ब्रांच, तो एक नंबर पर क्लोरो है तो यूपीएक नेम सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं 1 क्लोरो लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ हो गया मेरा 1 क्लोरो। 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया आपका पेन, यहाँ पर लिखिए दोस्त पेन। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिखेंगे, यहाँ पर लिखिए दोस्त एन। नंबर और अल्फाबेट है तो हाइफन का साइन दे दिए, सी कंपाउंड का यूपीएक नेम हो गया 1 क्लोरो पेंटेन। क्वेश्चन बोला था दोस्त कि 1 क्लोरो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, 1 क्लोरो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑप्शन नंबर ए दोस्त फुल एचडी में सही होगा।